दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ यूनिट कन्वर्जन की, जहाँ पर लंबाई के यूनिट कन्वर्जन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और लंबाई के बहुत छोटे और बड़े मात्रक हैं यहाँ पर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। बड़ी यूनिट की अगर बात करते हैं तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। अगर आपको बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में प्रदर्शित करना है तो आप 10 से 10 किलोमीटर में मल्टी, हेक्टोमीटर करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तरह से 10 से मल्टीप्लाई करते चलो। और जब आपको छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 10 का भाग देते हुए चलो। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपके सामने लेता हूं कि एक किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे। बहुत छोटा सा एग्जांपल यार, कितने डेसीमीटर होंगे बेटा। आपको देखो इसके बीच में एक किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, इसके बीच में कितने 10 दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, इसका मतलब 10^4 आपको डेसीमीटर होंगे। इसी प्रकार से मैं आपसे बात करता हूं एक मिलीमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे। तो बेटा देखो 1, 2, 3 मीटर यहां पर आ रहा है, तो यहां तक 10 10 10 तीन बार आया है, तो आपको कुछ नहीं करना, 10^3 का भाग दे देना है। और ये आपके पास क्या आ गया बेटा, मीटर। और आप चाहो तो 10^-3 मीटर भी लिख सकते हो उसे। तो ध्यान रखना, जब छोटी से बड़ी की तरफ चलेंगे तो जितनी बार 10 आता है उन सभी 10 को मल्टीप्लाई करके उसका भाग दे देना है। और जब बड़ी से छोटी की तरफ चलते हैं तो उनके बीच में जितने 10 आते हैं उनको सबको गुणा कर देना है। ये बहुत ही साधारण सी और सिंपल सी ट्रिक है, आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण और आपके सामने पेश करूंगा कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। देखो मीटर यहाँ पर है बेटा, मिलीमीटर यहाँ पर है, 1, 2, 3, 10^3 मिलीमीटर होंगे। और एक छोटी मैं इधर वापस से करूंगा, एक डेसीमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। डेसीमीटर बेटा यहाँ पर है और हेक्टोमीटर यहाँ पर है, तो कितना आया, 1, 2, 3, तो 1/10^3 क्या आएगा बेटा, हेक्टोमीटर, राइट। देखो कैसी लगी आपको ये ट्रिक, अच्छी लगी है तो सभी फॉलो कर दें चैनल को, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।